सियासत, डर की सियासत, उनमें से कुछ हिंदू घरों में पैदा हैं, कुछ मुसलमान घरों में पैदा हैं, यूरोप में कुछ ईसाई घरों में पैदा हैं, श्रीलंका में कुछ बौद्ध घरों में पैदा हैं, हैं? कोई धर्म गुंडों से छूटा नहीं है। रामकृष्ण, शिव, हजरत मोहम्मद, ईसा, गुरु नानक, तमाम की कोशिशों के बावजूद ये इंसानी फितरत है कि हमारे अंदर अच्छा और बुरा दोनों है। स्वराज अभियान की कोशिश है कि स्वराज केंद्र बना करके इसको हम मोहल्ले से, नुक्कड़ से सफाई का काम शुरू करें। और मैं सलाम करता हूं दिल्ली के लोगों को, उन्होंने स्वराज केंद्र की शुरुआत की। काम अभी आधा अधूरा है, लेकिन इस सम्मेलन से मेरी ताकत से वो काम आगे बढ़ेगा। बिहार में भी एक स्वराज केंद्र बना है, हर राज्य में यह जरूरी है कि स्वराज केंद्र की रचना की जाए। हमारे पास और कामों के लिए समय हो ना हो, लेकिन अगर आप स्वराज केंद्र के उद्घाटन के लिए समय मांगोगे तो जिसका नाम आप लिखेंगे 40 लोगों में से, उनका नाम हम मंजूर करके आपके दरवाजे तक पहुंचाएंगे, चाहे वो नुक्कड़ का ही स्वराज केंद्र क्यों ना हो, क्योंकि वो वैकल्पिक राजनीति और वो सहभागी लोकतंत्र का रास्ता है। आइए बात को खत्म करें। आज शाम को आपको एक वोट करना है। एक वोट आपने 14 अप्रैल 2015 को किया था। एक चौथाई भाइयों ने कहा पार्टी बनाओ, दो तिहाई भाई बहनों ने कहा कि अभी देश की आवाज सुन के लौट के रिपोर्ट बताओ। हमने जब रिपोर्ट बनाई तो पिछली राष्ट्रीय संचालन समिति ने कहा कि अब मेंबरी शुरू करने का वक्त आ गया। फिर भी कुछ नानुकुर होती रही, अरे 50 रुपया बहुत है, कौन देता है 50 रुपया? आपको पता नहीं है कौन देता है 50 रुपया? सलमान खान की सुल्तान फिल्म को देखने के लिए लोग 450 रुपया, एक 50 बरस का आदमी पहलवान बना है, नकली सिनेमा देखने के लिए लोग चले गए 450 रुपया। एक कबाली फिल्म को या ये रजनीकांत, उसमें उसको जवान बनाया गया है, वो नाना पर नाना, और उस नकल को देखने के लिए पूरा तमिलनाडु से लेकर के पूरा हिंदुस्तान दीवाना है कबाली देखने के लिए। 50 रुपया देंगे, मुल्क को बनाने के लिए मांगेंगे तब। मैं जाता हूं मंदिरों मस्जिदों में, कभी कभी जाता हूं और देखता हूं कि कोई मांगता नहीं है। साईं मंदिर में, अजमेर की दरगाह नाम पर है, तो ये भगवान मेरा वाला नहीं है, मेरा भगवान तो दीन दयालु है, पैसा देने वाला है, ये तो पैसा मांग रहे हैं। तो मैं बनारस का नाम नहीं लेता, बनारस वाले माफ करना भाई, हमारी वहां लड़ाई चल रही है पंडों से, लेकिन अच्छे काम के लिए लोग देते हैं। और मैं आपको बता दूं संगठनकर्ता साथियों, नेता साथियों, कि अगर आपने अपनी जेब से पैसा लगा के, अगर आपने बिना किसी से मांगे बढ़िया सम्मेलन किया, बढ़िया खाना खिलाया, बढ़िया साहित्य बांटा, तो आपको मालूम है क्या होगा? बाहर निकलते ही आपके दरवाजे से कहेंगे, यार बड़ा माल कमाया है इसने, ये अनंदवा कहां से इतना पैसा ले आया, बिरयानी भी खिला दिया, किताब भी दे दिया, झोला भी दे दिया, जाते समय किराया भी दे दिया, और उसको पता नहीं कि अनंदवा ने अपने प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाला, क्योंकि उसको लगता है कि लोग पैसा नहीं देंगे। पैसा देंगे लोग। कल हमारा पैसा 10,000 घट गया, आपको बता रहे हैं, जरा आपको तैयार भी कर रहे हैं, आज भी घटने वाला है। 10,000 घटा, कान में कहा गया कि भाषण ज्यादा हो गया तो भाषण देने वाले ही पैसा दे, हमने चादर घुमाई, 10,000 चाहिए था, सोचिए कितना मिला। यहां ना अंबानी है, ना बिरला है, ना एमपी है, ना एमएलए है, काले धंधे वाला तो कोई है ही नहीं है। हमको 10,000 चाहिए था, हमको 13,000 मिल गया। और ये हमारे दिल की जगह की बात है कि दिल में जगह बन गई है। आज भी अगर हमारी जेब में 10 रुपया होगा तो 8 रुपया हम स्वराज अभियान के किसी रुक रहे काम के लिए करेंगे, क्योंकि ये काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। कहां है? सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत वकील हैं, बहुत वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, सबका अलग अलग रेट है, लाखों कमाते हैं एक एक दिन में। कुछ वकीलों को मैं जानता हूं जिनको मैं पहले से जानता था, जब फटीचर थे, हमारी तरह से आंदोलन में थे, वकील हो गए, कुछ तो मंत्री भी हैं, कई करोड़ का उनका बैंक बैलेंस है। लेकिन अगर पैसा नहीं रखा तो आपकी तरफ वो देखेंगे नहीं कि कितने बड़े गुनाह से आप लड़ रहे हैं। लेकिन वकीलों का एक झुंड और है स्वराज अभियान से जुड़ा हुआ, जिसकी अगली कतार के नेता का नाम प्रशांत भूषण है। प्रशांत भूषण को अगर पैसे वाला केस चाहिए, पैसे वाला केस लेकर के जाइए, और ईमान वाला केस लेकर के जाइए जिसमें उनका अपना पैसा लगेगा, तो प्रशांत भूषण, रवि गढ़िया जैसे लोगों का, मारूफ खान और मुकेश हुडा जैसे वकील इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। और ऐसे वकीलों की तादाद नीचे तक है। शारदा जी इसकी जिम्मेदारी लेने वाले हैं कि सारे हिंदुस्तान में इस तरह के वकीलों की जात को बढ़ाया जाए, इस बिरादरी को बढ़ाया जाए। ऐसे ही, अब मैं नाम और चीजों का नहीं लूंगा और धंधों में लगे लोगों का नहीं लूंगा, डॉक्टरों का, शिक्षकों का, पत्रकारों का, व्यापारियों का,
तरफ समर्थन की संभावना है, आप मांगिए। तो इस समय आज शाम को आपका एक फैसला होना है। स्वराज अभियान को चलाने में जितनी ताकत लगी, जितने पैसे की जरूरत हुई, उससे 10 गुना ज्यादा ताकत राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए लगेगी। अभी एक बहन यहां पर है, कॉर्पोरेशन का चुनाव वो लड़ी थी दिल्ली में, वो है कि नहीं बहन? कॉर्पोरेशन में खड़ी हो जाइए, जरा खड़ी हो जाइए। ये चुनाव लड़ी थी कॉर्पोरेशन का, 272 सीटों पर चुनाव लड़ना है, नाजायज पैसे की जरूरत नहीं, लेकिन एक पर्चा तो छापना पड़ेगा, एक दफ्तर तो खोलना पड़ेगा, माइक तो लेना पड़ेगा, और उसका फंड अगर अभी से नहीं इकट्ठा होगा तो कब इकट्ठा होगा? 5 महीने बाद चुनाव है, 6 महीने बाद चुनाव। ऐसे ही रोज रोज के काम के लिए लोगों को आना जाना होगा। ईमेल से पार्टियां नहीं बनती हैं, एसएमएस से पार्टियां नहीं बनती हैं, आमने सामने की बातचीत से पार्टियां बनती हैं। रिश्तेदारियां बनाना आसान है, लेकिन राजनीतिक रिश्तों को बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हिंदुस्तान में राजनीति ने इतनी बार छला है कि एक नई पार्टी को लेकर आप जाएंगे तो 100 बार लोग आपकी जांच करेंगे कि यार दादा क्या है इस आदमी का, क्यों आई है, क्यों आया है, वोट कटवा तो नहीं है। इस पर फैसला आपको आज शाम को करना है। मैं फिर से स्वराज अभियान के एक एक कार्यकर्ता की तरफ से, जो यहां नहीं पहुंच पाया है, देश में और विदेश में जो आपको देख रही है, सुन रहा है, उसकी तरफ से सलाम करता हूं कि आप 100 काम छोड़ करके आए हैं, और इसके आयोजन करने वाले साथियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा इंतजाम किया है कि रहने खाने से लेकर के बोलने बतियाने तक के लिए और घर ले जाकर के पढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री है। पिछले सम्मेलन और इस सम्मेलन में फर्क यह है कि पिछले सम्मेलन में हमने आपको एक पर्चा दिया था स्वराज संकल्प का, इस सम्मेलन में झोला भर के किताब आपको मिलने वाली, झोला भर के, किसान आंदोलन के बारे में, शिक्षा के बारे में, अमन के बारे में, एंटी करप्शन टीम के बारे में, स्वराज केंद्र के बारे में, स्वराज अभियान का अपना कानून संविधान भी छाप के रख दिया गया है। इस सब के लिए तैयार हो जाइए, हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से संयम के साथ, प्रेम के साथ अपनी बात को रखने के लिए सोचिए। और अब इस सम्मेलन का शुभारंभ होता है, इस सम्मेलन का उद्घाटन होता है। इस गौरव के लिए, इस सम्मान के लिए मैं आप सबका आजीवन ऋणी रहूंगा। आप सबको धन्यवाद, आप सबका सलाम, आप सबको प्रणाम। इनकलाब, इनकलाब, आवाज दो, आवाज दो। दम है कितना दमन में तेरे, दम है कितना दमन में तेरे। सरकार निकम्मी है लेकिन अपना है, सरकार निकम्मी है लेकिन, सरकार निकम्मी है लेकिन, इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है, इसकी तस्वीर बदलने को, इसकी तस्वीर बदलने को। बहुत धन्यवाद।